हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क के बारे में। तो जैसे हम लोग देखिए, प्रीवियस जो स्टोरेज डिवाइसेज है, हम लोग मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ठीक है, और अदर डिवाइसेज के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। वो लेक्चर सारे चैनल्स पर अवेलेबल हैं। आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कॉम्पैक्ट डिस्क की। कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीडी। तो देखिए, सीडी क्या होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होता है। पहली चीज़ क्या है, दिस इज़ एन ऑप्टिकल डिस्क। तो देखिए, ऑप्टिकल डिस्क का मतलब क्या हुआ कि इसमें देखिए, हमने कहा कि मैग्नेटिक डिवाइसेस, ठीक है, और ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस, इनमें डिफरेंस क्या होता है। मैग्नेटिक डिवाइसेस में एक स्पेशल तरह का मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ किया जाता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ऑप्टिकल, देखिए ऑप्टिकल वर्ड आपने 10+2 लेवल तक पढ़ा होगा कि जहाँ भी ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है, लाइट, ठीक है। तो जो ऑप्टिकल डिवाइसेस होती हैं, उसमें जो डेटा स्टोर होता है, वो कैसे स्टोर होता है, विद द हेल्प ऑफ लाइट्स, या आप ये समझ लीजिए लेज़र बीम से, ठीक। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान देने वाली है। जैसे उस दिन हमने बताया था कि मैग्नेटिक के केस में क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल के केस में, कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर जो डोमेन्स होते हैं, तो जहाँ पे वन होता है, वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस की हेल्प से या उनकी वजह से एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, और जहाँ ये तो हो गया वन, और जहाँ जीरो रहता है वहाँ पे वो रैंडमली अलाइंड रहते हैं किसी भी डायरेक्शन में, ठीक। लेकिन ऑप्टिकल के केस में ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्टिकल के केस में जो डेटा स्टोर होता है, वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पिट्स। पिट्स मतलब होता है गड्ढा, बहुत स्मॉल, जैसे ये है ये, ठीक है, ये भी हम मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अदरवाइज बहुत ही स्मॉल पिट्स की फॉर्म में डेटा स्टोरेज होता है, और जिनका जो डायमीटर होता है वो नैनोमीटर, 10⁻¹, 10⁻¹, इतना स्मॉल फॉर्म में होता है। तो लेज़र बीम, लेज़र लाइट की मदद से, जैसे मान लीजिए ये आपकी सीडी की सरफेस है, तो जहाँ पे वन होना होगा वहाँ पे ये स्मॉल पिट्स ऐसे होगा, फिर जीरो होगा, फिर वन होगा, इस तरह जीरो 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 होगा, फिर वन हो, ये जहां पे ये स्मॉल पिट्स होंगे दैट मीन्स जीरो, अदरवाइज इट इज वन, ठीक है, ये जीरो हो गया आपका, क्लियर। और सॉरी, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो मैंने लिखा है स्मॉल पिट्स, मतलब ये ऐसे इतने स्मॉल होते हैं कि ये न्यूड आई से आप इनको नहीं देख सकते। इनका जो डायमीटर होता है वो 10⁻¹ या 10⁻¹⁹ इस ऑर्डर में होता है, ठीक। तो ऑप्टिकल डिवाइसेस में डेटा इस फॉर्म में स्टोर किया जाता है। अब आप आ जाइए सीडी पे वापस। तो सीडी क्या है, पहली चीज़ तो यह है कि ऑप्टिकल डिस्क है। दूसरा क्या है कि ऑब्वियस सी बात है कि इट इज़ यूज टू स्टोर डिजिटल डेटा। अभी जैसे मैंने आपको बताया, वन जीरो की फॉर्म में जो डेटा होगा उसको ये स्टोर कर लेगा, ठीक। तो इनिशियली इनिशियली क्या हुआ था, इनिशियली जो डिस्क डेवलप किया गया था सीडी, वो डेवलप किया गया था प्लेबैक, मतलब गाने वाने के प्लेबैक साउंड की रिकॉर्डिंग के लिए, साउंड की रिकॉर्डिंग के लिए, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई, सीडी के ही डिफरेंट वर्जन आते गए, और धीरे धीरे जैसे सीडी के बाद सीडीआर आया, ठीक है। तो सीडीआर मतलब कि रीराइटेबल, ठीक है, इसमें आप जो है डाटा एक बार रीड, मतलब वंस आप यू कैन से वंस डेटा कैन बी स्टोर्ड, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सीडी में फर्दर डेवलपमेंट, तो सीडीआरडब्ल्यू मतलब रीराइटेबल। इसमें क्या हुआ कि आप चाहे जितनी बार डाटा रीड करें, और मेनी टाइम्स, ठीक है, मेनी टाइम्स डेटा कैन बी रीड और
राइट ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सी डी आर डब्ल्यू के बाद फिर वी सी डी आया पिक्चर में, वीडियो सी डी, वी सी डी इसका फुल फॉर्म था वीडियो, और सी डी आपको मालूम है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक। तो वीडियो वीडियो सी डी आया, उसके बाद फिर फर्दर और ज्यादा कैपेसिटी का सुपर वीडियो सी डी आया, एस वी सी डी, ठीक है। ये था आपका सुपर वीडियो सी डी, क्लियर। उसके बाद और ज्यादा कैपेसिटी इसकी बढ़ाई गई, तो फिर उसके बाद पिक्चर में आई फोटो सी डी, जो लाइट इफेक्ट फोटो सेल का इस्तेमाल करती थी, फोटो सी डी, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हो गया आपका पिक्चर सी डी, पिक्चर सी डी, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्जन आया सी डी का, वो था सी डी आई, ठीक है। और उसके बाद जो सी डी का वर्जन आया वो था एनहेंस्ड सी डी। तो इस तरह जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, सी डी से शुरू होके फिर सी डी आर, सी डी आर डब्ल्यू रीराइटेबल, फिर वीडियो सी डी, फिर सुपर वीडियो सी डी, फोटो सी डी, पिक्चर सी डी, सी डी आई और एनहेंस सी डी। इस तरह से जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई, सी डी के डिफरेंट वर्जन अवेलेबल होते गए, ठीक है। उसके बाद और क्या चीज़ आप सी डी के बारे में आप जान सकते हैं, कि सी डी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है, ये करीब करीब आप मान के चलिए कि 600 से 700 MB, मेगाबाइट, मेगाबाइट बाइट किलोबाइट गीगाबाइट, इन सब पे पूरी एक मैं सेपरेट वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, उसको आप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा मेगाबाइट क्या होता है, ठीक है। तो जनरली एक सीडी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 600 से 700 एमबी तक होती है, ठीक। अब इसके अंदर आप क्या स्टोर कर सकते हैं, तो आप इसमें स्टोर कर सकते हैं टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा, ठीक है, फिर आपका वीडियो भी आप स्टोर कर सकते हैं, फुल मोशन वीडियो, फिर आपका जो म्यूज़िक है या ऑडियो फाइल्स हैं वो भी आप स्टोर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप सीडी में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है सीडी में, इसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इट स्टोर्स डिजिटल डेटा, डिजिटल डेटा विच कैन बी रेड, उसको आप पढ़ तो सकते हैं बट कैन नॉट बी री रिटन, उसको आप दोबारा उस पर लिख नहीं सकते हैं, ठीक। अगर आपको दोबारा राइटिंग करनी है, देखिए, तो उसके लिए क्या होता है कि आपके कंप्यूटर में आपको एक स्पेशल तरह की ड्राइव, देखिए एक तो होता है सीडी ड्राइव, तो सीडी ड्राइव आपने अगर लगाया हुआ है तो उसमें आप सीडी डालेंगे, उसमें आप सीडी लगाएंगे तो सीडी का जो भी कंटेंट है वो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन अगर आपको राइट भी करना है तो फिर केवल सीडीआर से आप, सीडी ड्राइव से आपका काम नहीं चलेगा, कंप्यूटर के अंदर आपको एक सेपरेट डिवाइस लगानी पड़ेगी, ठीक है, जो रीड और राइट दोनों कर सकती हो, ठीक है। तो उसको जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं सीडी राइटर, ऐसे कह लीजिए, ठीक। तो प्लेन जो ऑर्डिनरी सीडी ड्राइव होती है उससे केवल आप सीडी लगा के उसके अंदर जो भी वीडियो है, म्यूजिक है, टेक्स्ट है, वो सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहिए कि हमें अपना कुछ डाटा स्टोर करना है सीडी में, तो उसके लिए आपको एक सीडी राइटर की ज़रूरत पड़ेगी, क्लियर। ये हो गया। उसके बाद क्या है कि और इसका जो मेन फीचर होता है कि ये बहुत ही रिलायबल, मतलब सीडी के अंदर जो आप डाटा स्टोर करते हैं रिलायबल स्टोरेज मीडिया है, स्टोरेज मीडिया, ठीक है। इट इज़ अ वेरी रिलायबल स्टोरेज मीडिया एंड इट इज़ वेरी ऑफन यूज्ड एज ए मीडियम फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू लार्ज नंबर ऑफ यूज़र। मतलब ये रिलायबल स्टोरेज मीडिया है, तो मान लीजिए जैसे आपको कि काफ़ी ज़्यादा डाटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। जैसे देखिए एक सी डी कैपेसिटी कितनी होती है, 600 से 700 MB। अगर इतना डेटा आपको कई यूजर्स को देना है, बांटना है, ठीक है,
तो आप क्या करेंगे, उस डेटा को आप सीडी में स्टोर कर लेंगे और उसकी सीडी बना के आप सारे यूजर को दे सकते हैं। तो इसका एक मेन यूज है, और क्योंकि उसका ये रिलायबल है तो उसके अंदर जो आप डेटा स्टोर करेंगे वो खराब भी नहीं होगा। ठीक, तो जनरली इसका जो कॉमनली यूज्ड जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर, जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सीडी का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ है सीडी का वो ये है। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं, नेक्स्ट है हम लोग क्या, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क यानी डीवीडी। अब आ जाइए इसको देखते हैं कि डीवीडी क्या होता है। डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसको शॉर्ट में बोलते हैं डीवीडी। ठीक है, तो डीवीडी देखिए क्या होता है। तो डीवीडी भी पहली चीज क्या है कि ये भी आपका ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। इसके ऑप्टिकल के बारे में अभी हम लोग जस्ट डिस्कस कर चुके हैं सीडी के टाइम, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। ठीक, और ये डीवीडी जो है डेवलप किया गया था या इन्वेंट किया गया था किस ईयर में, इन द ईयर ऑफ 1995 में, बाय द कंपनीज। कुछ कंपनीज ने डेवलप किया था, फिलिप और आपका जो है जो इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी बड़ी कंपनियां थी, सोनी। ठीक है, फिर है आपका तोशिबा। ठीक है, एंड जो सबसे पॉपुलर कंपनी थी उस समय पैनासोनिक, आज भी अच्छी कंपनी में नाम आता है इन सबका। तो इन कंपनीज ने, फिलिप्स ने, सोनी, तोशिबा, पैनासोनिक, इन लोगों ने ईयर 1995 में डीवीडी को डेवलप किया और इन्वेंट किया था। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या था, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या ये था कि सीडी से ज़्यादा मोर स्टोरेज कैपेसिटी डीवीडी में था। डीवीडी में आप ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते थे। ठीक है, और जबकि साइज वाइज सेम रहता था, मतलब सीडी एंड डीवीडी के जो साइज है वो सेम रहते थे, लेकिन इसमें आप इसके कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते थे, लगभग डबल या डबल से भी ज़्यादा। ठीक, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्क टाइप इट कैन स्टोर सेवरल गीगाबाइट्स ऑफ डेटा। ठीक है, मतलब अभी देखिए सीडी में हम लोगों ने पढ़ा था, सीडी पढ़ते टाइम कि सीडी में कितना 600 से 700 एमबी डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, और वहीं डीवीडी में हम कई गीगाबाइट, और गीगाबाइट क्या होता है ये हमने जो मेमोरी डाला हुआ है लेक्चर उसमें आप देखिए, मतलब कि गीगाबाइट का मतलब एक तरह से हो गया आपका 1024 मेगाबाइट, या सीधा सीधा जब इसको कैलकुलेट करना शुरू होंगे 2 to the power 9 बाइट ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो कहाँ तो ये 600 से 700 एमबी के बीच में, और कहाँ ये 1024 एमबी का तो एक बाइट हुआ, एक गीगाबाइट हुआ, 1 गीगाबाइट, और 1 गीगाबाइट नहीं, डीवीडी कैन स्टोर सेवरल, ठीक है, गीगाबाइट डेटा। तो इसलिए इसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा थी इन कंपेरिजन ऑफ सीडी, जबकि फिजिकल डायमेंशन सेम था। तो इसलिए डीवीडी जो है डेवलप किया गया और ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है, और प्राइमरीली जो डीवीडी का इस्तेमाल था वो शुरू हुआ कि इनिशियली डीवीडी वर यूज्ड टू स्टोर व्हाट, डीवीडी आर प्राइमरीली यूज्ड टू स्टोर म्यूजिक, या तो इसको म्यूजिक स्टोर करने में यूज किया गया, सेकेंड है आपका मूवीज को स्टोर करने में यूज किया गया। ठीक है, एंड कैन बी प्लेड बैक ऑन योर टेलीविजन और द कंप्यूटर टू। तो डीवीडी में आप म्यूजिक या मूवी स्टोर कर सकते थे, और उसको आप जैसे डीवीडी को चलाने के लिए या डीवीडी को यूज करने के लिए, जैसे उधर हम सीडी के केस में हमने आपको सीडी राइटर या सीडी प्लेयर बताया था,
ऐसे डीवीडी को प्ले करने के लिए एक डीवीडी प्लेयर आता है, डिवाइस डीवीडी प्लेयर, तो इसकी मदद से हम डीवीडी को प्ले करते थे यानी। और डीवीडी प्लेयर को हम किससे कनेक्ट कर दें, मान लीजिए हम इसको अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर दें तो कंप्यूटर पर जो कुछ भी उस डीवीडी में है हम कंप्यूटर पर देख सकते हैं, या डीवीडी प्लेयर को हम अपने टेलीविजन से कनेक्ट कर दें टीवी से तो जो कुछ भी इस डीवीडी में है वो हम अपने टीवी पे मूवी या गाना या जो भी चीज़ है वो देख सकते हैं। तो ये यूज़ किया जाने लगा डीवीडी का, ठीक है। और इसमें डीवीडी में एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि जैसे सीडी तो रीराइटेबल था लेकिन डीवीडी जो है वो रीराइटेबल मीडिया नहीं था, मतलब डीवीडी पे आप दोबारा डाटा इरेज करके दोबारा नहीं लिख सकते थे, ठीक। अच्छा, डीवीडी का जैसे हम लोगों ने अभी फुल फॉर्म पढ़ा था कि डीवीडी क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। कॉमन लैंग्वेज में डीवीडी को यह भी बोलते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क, वीडियो डिस्क। तो ये आज दो टॉपिक जो हम लोगों के रह गए थे पिछले लेक्चर के, सीडी एंड डीवीडी, ये हम लोगों ने कवर कर लिए। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन हो सके। थैंक यू।